please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी यूपी से चुने गए बीजेपी के सभी मेयर से बातचीत करते थे। निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री ने इनको चाय पर बुलाया था। माना जा रहा है कि इस दौरान सभी मेयर के गुजरात चुनाव प्रचार में शामिल होने की रणनीति पर भी चर्चा हुई, जिसमें 14 मेयरों के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मेयरों को बधाई दी और उनके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी मेयरों से विकास करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने की अपील की। हालांकि पीएम से ये मुलाकात सिर्फ मेयरों के लिए थी, लेकिन इसमें खास तौर पर राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी की जायस नगर पालिका के चेयरमैन महेश प्रताप सोनकर को भी शामिल किया गया। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सीएम योगी कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम आवास से निकले, लेकिन इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। वहीं दूसरी ओर यूपी के सभी बीजेपी मेयर प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बेहद खुश नजर आए और इस दौरान अमेठी से जीतने वाले महेश प्रताप सोनकर राहुल गांधी पर हमला करने से नहीं चूके। तो लॉलीपॉप देते रहे, ऐसे रोड शो करके निकलते रहे, विकास कुछ नहीं दिया, उसको हम विकास देंगे। मेयरों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे उनकी नई जिम्मेदारियों पर बातचीत की। कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, हम लोग परिवार की तरह मिले, उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, चाय पी उनके साथ और हमने बड़े अच्छे से मूड में उन्होंने बात करी। मीडिया के सामने सभी मेयरों ने अपने अपने शहरों में विकास करने का संकल्प दोहराया, जिसकी नसीहत इनको खुद प्रधानमंत्री से भी मिली। लेकिन माना जा रहा है कि सभी मेयर की पीएम से इस मुलाकात के पीछे मौजूदा गुजरात चुनाव भी, जहां बीजेपी यूपी निकाय की जीत को प्रचार में इस्तेमाल करने वाली है, इसलिए पार्टी यूपी के सभी मेयरों को गुजरात भेज रही है, जो वहां खास तौर पर उत्तर भारतीय लोगों को लामबंद करने की कोशिश करेंगे। हम लोग अभी सबसे पहले सूरत जा रहे हैं, वहां जाके यही बात करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सपने को पूरा करने के लिए गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएं। माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव प्रचार के मद्देनजर खुद पीएम मोदी ने मेयरों के साथ रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक निकाय चुनाव में मिली अमेठी की जीत को बीजेपी जोर शोर से गुजरात में प्रचारित करेगी। अमेठी से जो है कांग्रेस मुक्त कर दिया, गुजरात से भी भगाएंगे विकास के मुद्दे पे। बताया जा रहा है कि गुजरात में आखिरी दौर की वोटिंग से पहले यूपी बीजेपी के मेयरों के लिए अहमदाबाद में स्वागत समारोह भी किया जाएगा। दिल्ली के कीर्तिनगर इलाके में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पेड़ों पर पानी का छिड़काव करने लगे। ये लोग दिल्ली पर फिर से छाए स्मॉग यानी काले धुएं वाले कोहरे के असर को कम करने के लिए ऐसा कर रहे थे, ताकि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जा सके। बारिश नहीं बल्कि दमकल विभाग कीर्तिनगर के पास का फायर स्टेशन है, जो इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए पानी की बारिश कर रहे हैं। पॉल्यूशन का लेवल कुछ ज्यादा है, इसको कम करने के लिए ये हमें इसका ऑर्डर मिला था और इसका छिड़काव कर रहे हैं हम। कमोबेश ऐसे ही हालात राजधानी के बाकी इलाकों में भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं यहाँ से अर्थ अंडरपास से, तो वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन था। दिल्ली में कुछ दिनों पहले ही स्मॉग की वजह से प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था, जिससे निपटने के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर सरकार की तरफ से कई जरूरी कदम उठाए गए। लेकिन हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ और एक बार फिर स्मॉग ने दिल्ली एनसीआर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसका असर दिल्ली के कोटला मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच पर भी दिखाई दिया। श्रीलंका में क्या पता इतना पोल्यूशन नहीं हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पोल्यूशन नहीं है, तो इस बात को ना मैं छुपाऊंगा। एक बार फिर इंडिया श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान श्रीलंकन प्लेयर मास्क पहनकर फील्ड पे उतरे हैं। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश होने की संभावना जताई है, जिसके असर से स्मॉग कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज रात कमी आएगी। उधर दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी स्मॉग का असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 3 तलाक का एक मामला सामने आया। इस मामले में पीड़ित महिला का दावा है कि कुवैत में रहने वाले उसके पति ने उसे फोन पर तलाक दे दिया। महिला के मुताबिक 10 साल पहले उसकी शादी ख्वाजा अली से हुई, लेकिन आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल वालों से मारपीट करते थे। पीड़ित महिला का पति 1 साल पहले नौकरी के लिए कुवैत चला गया और आरोप है कि उसने वहीं से फोन पर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। फिलहाल इस मामले की शिकायत पुलिस में कर दी गई है। 10 साल शादी के हो गए और वहीं से लड़ाई झगड़ा हुआ, वहीं से तलाक दे दिया 3 गोली। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों को अपने गुमशुदा बच्चे की तस्वीर दिखाता नजर आया। अपने 11 साल के बेटे की तलाश में सतीश चंद्र शर्मा नाम का यह किसान साइकिल पर शहर शहर घूम रहा, लेकिन पिछले 6 महीने से उनके बेटे का कुछ पता नहीं चला। आपने देखा था ये बच्चा? इस दौरान सतीश चंद्र शर्मा अपनी साइकिल से करीब 2000 किलोमीटर का सफर करते हुए कई शहर पहुंचे, गांवों की खाकशानी और रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों से पूछताछ की। 6 महीने हो गए और मेरे बच्चे की कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। पेशे से किसान सतीश चंद्र शर्मा के 3 बच्चों में एक ही जीवित है, जिसके गुम होने से पति पत्नी पर दुख का पहाड़ टूटा है।
इसलिए अपनी खेती छोड़कर सतीश चंद शर्मा महीनों से अपने बेटे की तलाश में जुटे हुए हैं। आरोप है कि पुलिस ने इस गुमशुदा बच्चे को तलाशने में गंभीरता नहीं दिखाई। हालांकि मीडिया तक बात पहुंचने के बाद पुलिस की टीम सतर्क हुई और बेटे की पूरी जानकारी लेने सतीश चंद्र शर्मा के घर पहुंची। 11 साल का बच्चा था जी, चला गया है। बेटे के लापता होने के बाद मां बीमार पड़ गई, लेकिन बुजुर्ग बाप ने अभी हिम्मत नहीं हारी। पुलिस के आला अधिकारी आए तो सतीश चंद्र शर्मा ने मदद के लिए हाथ जोड़ ली। मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चा को जल्दी हम लोग बरामद कर लेंगे। गुमशुदा बच्चे की तलाश के लिए पुलिस की एक टीम नियुक्त की गई। इसके अलावा सोशल मीडिया की मदद से भी लड़के का सुराग निकालने की कोशिश की जा रही है। गुजरात चुनाव के दौरान पीएम मोदी से सातवां सवाल करते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, लेकिन इस ट्वीट की वजह से वो खुद सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि उनका ट्वीट गुजरात में महंगाई के आंकड़ों से जुड़ा था, जिसमें गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने उनकी गणित की समझ पर ही सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर पीएम से सवाल करते हुए गुजरात में 3 साल में जरूरी चीजों के दाम बढ़ने पर एक चार्ट ट्वीट किया, जिसके मुताबिक 2014 में 414 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर 2017 में 742 रुपए का हो गया। हालांकि उन्होंने प्रतिशत में इसे 79% की जगह 179% बढ़ोतरी बता दिया। 2014 में 45 रुपए किलो मिलने वाली दाल 2017 में 80 रुपए किलो तक दिखाई गई। यहां भी 70% की जगह 177% लिखा गया। 2014 में 35 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर की कीमत 2017 में 100 रुपए किलो दिखाई गई, जिसमें बढ़ोतरी को 186% के बजाय 285% दिखाया गया। ऐसे ही 2014 में 40 रुपए किलो मिलने वाले प्याज को 2017 में 80 रुपए किलो दिखाया गया, लेकिन राहुल यहां भी प्रतिशत निकालने में गलती कर गए और 100% की जगह 200% तक दिखा दिया। आंकड़ों में कुछ ऐसी गलती दूध और डीजल के दाम बताने में भी हुई। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद राहुल गांधी ने अपना ट्वीट हटाकर सही चार्ट पोस्ट किया, लेकिन उनकी इस चूक ने बीजेपी को बैठे बिठाए उन्हें घेरने का मौका दे दिया। शायद उनको अर्थशास्त्र का ज्ञान नहीं है, किसी व्यापारी से पूछ लें जाकर के, नहीं तो अरुण जेटली से ट्यूशन पढ़ लें 2 घंटे का। बीजेपी ने महंगाई के मुद्दे पर राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आर्थिक मुद्दों पर उनकी समझ पर भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कई किसानों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनसे करोड़ों रुपए की प्रीमियम राशि वसूली गई, लेकिन उन्हें उस बीमा का कोई लाभ नहीं मिला। साथ ही किसानों ने उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द उनकी मांग नहीं मानी गई तो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना लंदन में वेस्टमिंस्टर की एक कोर्ट में जाते थे। राकेश अस्थाना सीबीआई की उस टीम की तरफ से यहां पहुंचे हैं जो विजय माल्या के प्रत्यर्पण के केस में भारत सरकार की तरफ से पैरवी कर रही है। इसीलिए राकेश अस्थाना सुबह सुबह ही वेस्टमिंस्टर कोर्ट पहुंचते दिखे। कोर्ट में सुनवाई के दूसरे दिन सीबीआई के वकीलों को माल्या के खिलाफ अपनी दलीलें देनी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान माल्या पर 5 बड़े आरोप लगाए गए, जिनमें सबसे पहला आरोप ये कि माल्या ने पैसों का गड़बड़झाला भारत में किया। दूसरा आरोप ये कि माल्या ने बैंकों से कर्ज गलत इरादे से गलत अनुमान दिखा कर लिया। तीसरा आरोप ये कि कर्ज के बदले जो गारंटी दी गई वो किसी काम की ही नहीं थी। चौथा आरोप ये कि कर्ज के पैसों का इस्तेमाल गलत मकसद से किया गया। और सबसे अहम बात ये कि माल्या पर भारत की सुप्रीम कोर्ट समेत भारत की कई अदालतों में केस चल रहे हैं, इसलिए उनका प्रत्यर्पण जरूरी है। हालांकि माल्या के वकीलों की ओर से दावा किया गया कि वो अपने बचाव में 4 गवाह पेश करना चाहते हैं। इस बीच विजय माल्या को भी लगातार दूसरे दिन कोर्ट में पहुंचना पड़ा और प्रत्यर्पण केस की चिंता माल्या के चेहरे पर साफ दिख रही थी। विजय माल्या को वेस्टमिंस्टर कोर्ट से काफी दूर से ही मीडिया के कैमरों ने घेर लिया। माल्या से लगातार सवाल होते रहे, लेकिन माल्या ने चुप्पी बिल्कुल नहीं तोड़ी। हालांकि लंदन में हो रही प्रत्यर्पण केस की सुनवाई पर भारत में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्ष ने एक बार फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। 3-4 बार से वो कोर्ट आ रहे हैं और 2 मिनट में मुस्कुराते हुए कॉलर खड़ा किए हुए वापस वॉक करते हुए टीवी वालों को बाइट देते हुए यही हम लोग देख रहे हैं। सरकार बिल्कुल वैसे ही दिखावा कर रही है जैसे काला धन स्विट्जरलैंड और अन्य देशों से लाने का दिखावा कर रही है। माल्या का प्रत्यर्पण पूरी तरह वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चल रही सुनवाई पर निर्भर है, इसीलिए सीबीआई अधिकारियों की एक टीम लगातार लंदन में ही डेरा डाले हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इंडिगो एयरलाइन से हवाई यात्रा करते दिखे। इस फ्लाइट से सीएम खट्टर चंडीगढ़ से दुबई के लिए रवाना हुए और उनकी इस यात्रा का मकसद दुबई के निवेशकों को हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आकर्षित करना है। लेकिन उनकी इस विदेश यात्रा पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए। इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस ने उनकी दुबई यात्रा को सैर सपाटा करार दिया। खट्टर साहब बताना चाहें तो प्रदेश की जनता को बताएं कि अब तक आपने जितने रोड शो विदेशों में जाके किए वहां से क्या लेके आए आप? अब तक का इतिहास कह रहा है जितनी बार कई सारे विदेश में कई देशों में जा चुके और यहाँ पर
अब तक तो निवेश आया नहीं है। दोनों विपक्षी दलों ने यह भी तंज कसा कि सीएम खट्टर पहले प्रदेश देखें, इसके बाद विदेश दौरों के बारे में सोचें। इसके जवाब में मुख्यमंत्री खट्टर ने दलील दी कि अगले महीने हैपनिंग हरियाणा इवेंट होने वाला है, जिसके लिए विदेशी निवेशकों को बुलाने के मकसद से वो दुबई जा रहे हैं, ताकि हरियाणा में विदेशी निवेश बढ़ सके। खट्टर ने दुबई से लौटने के बाद विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देने की बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आके? नहीं, आके तो करेंगे, दुबई जा रहा हूँ, आगे करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने डेलीगेशन के साथ 3 दिन दुबई में रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक शाहजहांपुर जेल में बंद एक कैदी ने एक टंकी में कूदकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद जेल के अंदर हड़कंप मच गया। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका अध्यक्ष पद पर करारी हार के बाद बीजेपी उम्मीदवार सुधा राज शर्मा के पति पार्टी कार्यालय के दौरान मंच पर ही रो पड़े। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शादी करने का नाटक करते हुए अनोखा विरोध दर्ज किया। दिल्ली में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा अपने वकीलों के साथ बाहर आते थे। यहां यूपीए सरकार के दौरान हुए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले की सुनवाई हुई, जिसमें डीएम के नेता और पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा की भी पेशी हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर निकलने पर जब पत्रकारों ने उन्हें घेरा तो राजा ने कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कही। I'm a law-abiding citizen. I face the trial. I'm having faith in the judicial system of this country. 2G घोटाले की एक और आरोपी डीएम के सांसद कनी मोई भी सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंची। Do I look nervous to you? सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े 2 अलग-अलग केस की सुनवाई कर रही है, जिनमें एक मामले की जांच ईडी कर रहा है, जबकि दूसरे मामले की तफ्तीश सीबीआई के पास, जिसमें सीबीआई ने तब के टेलीकॉम मंत्री रहे ए राजा को मुख्य आरोपी बनाया। सीबीआई ने ए राजा पर 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया, साथ ही उन पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। वहीं दूसरे मामले की जांच कर रहे ईडी ने ए राजा, कनीमोई और करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्बाल सहित 26 लोगों पर साजिश रचने का आरोप लगाया। 2G मामले में शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने 7 साल बाद इंसाफ की उम्मीद जताई। I filed the first complaint in 2011 and today it is 2017, almost end of 2017, so it's about 7 years. फिलहाल अब नजरें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट पर हैं, जो 21 दिसंबर को 2G घोटाला मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीच सड़क पर कुछ लड़कों ने एक लड़की को घेर लिया। इन लड़कों पर आरोप है कि इन्होंने कॉलेज से लौट रही छात्रा के साथ सरेआम छेड़खानी की, जिसका वीडियो वायरल होते ही भुवनेश्वर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। इस वीडियो में 10-15 लड़के एक छात्रा के साथ सरेआम बदसलूकी करते दिखे। इन लड़कों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। लड़की के बार बार विनती करने पर भी ये लड़के नहीं माने। जैसे तैसे लड़की खुद को बचाकर जब अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ने लगी, तभी पीछे से आए एक और लड़के ने फिर उसको पकड़ने की कोशिश की, और इन लड़कों के साथ मौजूद एक लड़के ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस का दावा है कि ये वीडियो करीब 1.5 महीने पुराना है, और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी 6 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी बारगढ़ के रहने वाले हैं। इन लड़कों पर आरोप है कि इन लोगों ने न सिर्फ छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि उसके दोस्त की पिटाई भी की। पुलिस के मुताबिक ये घटना अक्टूबर की है, जब लड़की अपने दोस्त के साथ एक डैम पर घूमने गई थी। पंचकुला हिंसा की साजिश के आरोप में जेल में बंद हनीप्रीत के पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है। सूत्रों के मुताबिक हनीप्रीत ने जेल प्रशासन को एक चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई कि पंचकुला हिंसा के बाद उसके जो बैंक खाते सीज किए गए थे उन्हें खोल दिया जाए। चिट्ठी में हनीप्रीत ने यह भी लिखा कि उसका केस अब कोर्ट ट्रायल के लिए आ गया है और केस लड़ने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। अगर उसके बैंक खाते नहीं खोले गए तो वो प्राइवेट वकील को हायर नहीं कर पाएगी। चीन ने सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मामले में पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए इसकी फंडिंग पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक चीन ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर सीपीईसी के प्रोजेक्ट की फंडिंग पर रोक लगाई है। सीपीईसी प्रोजेक्ट विवादित OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का एक हिस्सा है, इसलिए दावा है कि सीपीईसी प्रोजेक्ट की फंडिंग रोकने से 3 और बड़े प्रोजेक्ट भी रुक जाएंगे, जिनमें सबसे अहम 210 किलोमीटर लंबा डेरा इस्माइल खान झोब रोड प्रोजेक्ट। सीपीईसी प्रोजेक्ट की लागत करीब 32,000 करोड़। सीपीईसी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरेगा, जिसको लेकर भारत अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है।
दिल्ली में मौसम विभाग के दफ्तर के बाहर लगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लोधी रोड इलाके की एयर क्वालिटी के खतरनाक आंकड़े दिखाने लगा। इसके साथ ही इस डिस्प्ले पर बुधवार को लेकर पूर्वानुमान भी किया गया, जिसमें प्रदूषण के स्तर को खतरनाक बताया गया। फिर भी प्रदूषण को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया। भारत का फेस है दिल्ली, और दिल्ली पे आके उन्होंने जो उनको दिखाना था पूरी दुनिया को, देश को, कि मोदी जी कितना भी संवारने की कोशिश करें, हम बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जबकि कांग्रेस ने केजरीवाल और केंद्र सरकार को घेरते हुए प्रदूषण के मसले पर राजनीति न करने की सलाह दी है। केजरीवाल साहब को और मोदी सरकार दोनों को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रदूषण के मसले पर केंद्र और केजरीवाल सरकार शुरू से एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं, और कमोबेश वक्त भी दोनों ही सरकारों के बीच सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। इस वक्त भी आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए कई अहम फैसले लिए, लेकिन उनका आरोप है कि दिल्ली की पिछली सरकारों ने प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी 15 साल दिल्ली के अंदर शासन करती रही। अगर कांग्रेस पार्टी ने और उसके पहले 5 साल बीजेपी ने, अगर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, दिल्ली के भविष्य को लेकर अगर काम किया होता तो आज प्रदूषण की समस्या होती नहीं। लगे हाथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दिल्ली के प्रदूषण पर बयान दे डाला, मगर समझना मुश्किल था कि उनके निशाने पर कौन है। राजधानी दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए एनजीटी लगातार सरकारों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहा है, ताकि हालात को जल्द से जल्द बेहतर किया जा सके। मुजफ्फरपुर में हुए एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। राजस्थान के कोटा में फिल्म पद्मावती के ट्रेलर चलाने के दौरान सिनेमाघर में तोड़फोड़ के आरोप में जेल में बंद करनी सेना के सभी कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक ने एसडीएम की गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें एसडीएम को मामूली चोट आई, जबकि गाड़ी का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के खगड़िया में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बेकाबू ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। गुजरात के सोमनाथ में हजारों की तादाद में नाव एक जगह इकट्ठी नजर आई। ये उन मछुआरों की नाव है जो ओखी तूफान की वजह से एहतियातन किनारे पहुंच गए, क्योंकि गुजरात में मौसम विभाग ने पहले ही मछुआरों को अलर्ट कर दिया था, लिहाजा वो वक्त रहते समंदर से तट पर आ गए। जानकारी के मुताबिक गुजरात के सोमनाथ में फिलहाल 5,000 नाव किनारे पर खड़ी हैं। इनमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मछुआरों की भी नावें हैं। साइक्लोन की वजह से मछुआरों है फिशरमैन को वार्निंग दी गई थी कि 48 आवर्स तक वो समुन्द्र में न जाए। ओखी तूफान की वजह से पूरे दक्षिण गुजरात में हाई अलर्ट है, खासकर समुद्री इलाकों में ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। सूरत में भी वक्त से पहले ही तूफान से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई, साथ ही समंदर तक पहुंचने से लोगों को रोकने के लिए पुलिस वालों को भी तैनात कर दिया गया। इनके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी सूरत में समंदर किनारे पहुंचकर मोर्चा संभाल चुकी है। कोई दुर्घटना ना बने इसलिए लोगों को तैनात किया गया है। कोई भी आपातकालीन स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें दक्षिण गुजरात और खास करके सूरत में अलर्ट की गई है। तूफान की वजह से सूरत में 2 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए, जबकि 145 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है और 13,000 नावें किनारे लौट चुकी हैं। चक्रवात जैसा नहीं रहेगा, लेकिन लोगों को हिदायत दी गई है कि वो लोग ज्यादातर रात को बाहर ना निकले। तूफान के असर से तूफान के असर से गुजरात के 9 जिलों में हल्की बारिश हुई। हल्की बारिश में सड़कों पर भले ही गाड़ियों की आवाजाही जारी रही हो, लेकिन तूफान ने गुजरात के चुनावी माहौल की रफ्तार जरूर धीमी कर दी, और तूफान के असर वाले इलाकों में नेताओं की रैलियों का सामान समेटा जाने लगा। ओखी की वजह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महुआ, राजुला और शिहोर की रैलियां रद्द हो गईं। ये इलाके समुद्र तट के करीब पड़ते हैं। उनकी सुरक्षा को लेके ये प्रोग्राम हमने कैंसिल किया है, मौसम बहुत खराब है। वहीं पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि गुजरात में साइक्लोन ओखी आने वाला है। मैं गुजरात के बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो पूरे सूबे में लोगों की मदद करें। हमारे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की हर संभव मदद करने में पूरे मन से लग जाएं। लेकिन गुजरात में माहौल चुनावी है, लिहाजा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल हमला करने से नहीं चूके और ट्विटर पर लिखा कि गुजरात में ओखी नाम का समुद्री तूफान आने की संभावना है, सभी सलामत स्थान पर चले जाएं, प्रशासन के भरोसे न रहें, क्योंकि प्रशासन साहब की सेवा में लगा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर ने महाराष्ट्र पुलिस की पूछताछ में बड़ी जानकारी दी है। इकबाल ने दाऊद के कामकाज के नए तरीकों के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए दाऊद ने वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन में डील करना शुरू कर दिया।
इकबाल के मुताबिक दाऊद ने पिछले साल बिटकॉइन में करीब 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। यही नहीं, डी कंपनी के जरिए होने वाला सारा काला कारोबार भी बिटकॉइन में ही किया जा रहा है और मुनाफे को बढ़ाने के लिए भारतीय शेयर मार्केट भी लगातार दाऊद के निशाने पर है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की बड़ी वजह यह है कि एक बिटकॉइन की कीमत करीब 6.5 लाख रुपए के बराबर है। बिटकॉइन एक ओपन डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है जिसमें बिना किसी के भी दखल के ऑनलाइन लेन देन किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के दो भाइयों पर एक जिम के ट्रेनर ने मारपीट और एक महिला से बदसलूकी का आरोप लगाया। जिम के ट्रेनर साजिद कुरैशी के मुताबिक जब उन्होंने इरफान सोलंकी के भाई फरहान और इमरान को जिम की मेंबरशिप देने से इनकार किया तो अपने कुछ साथियों को लेकर वहां पहुंचे और उनसे मारपीट करने लगे। आरोप ये भी है कि फरहान और इमरान ने एक महिला से बदसलूकी की और साजिद की जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित जिम ट्रेनर के मुताबिक जब उसने इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो इरफान सोलंकी ने उस पर समझौते के लिए दबाव भी बनाया। कुल मिला के जो भी है हाथापाई करी उन्होंने, हमारा पीटा एक हमारे इंस्ट्रक्टर को, हाँ हल्की सी बदतमीजी करी उनके साथ भी, तो कुल मिला के बस ये बातें हुई मेरी, मैंने इसलिए मैंने मुकदमा दिया हुआ है, FIR कर दी है। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये भारी बारिश अरब सागर में उठे ओखी तूफान की वजह से हो रही जिसके साथ कई इलाकों में बड़े आकार के ओले भी गिरे। श्रीलंका से उठा ओखी तूफान दक्षिण भारत के कई राज्यों में तबाही मचाने के बाद अब गुजरात में सूरत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले इसका असर महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी दिखाई दे रहा है जहां पिछले 12 घंटे से ही लगातार बारिश हो रही है, जबकि मुंबई के अंधेरी, वर्सोवा, जुहू, वर्ली और मरीन ड्राइव समेत कई इलाकों में बारिश जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में कई लोकल ट्रेन आधे घंटे की देरी से चल रही है। ओखी तूफान इस वक्त गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, सूरत कोस्ट से महज 420 किलोमीटर दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर साफ तौर पर महाराष्ट्र के कोस्टल एरियाज में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में देखने को मिला जहां समुद्र में ऊंची लहरें उठती दिखाई दी जिनमें गुजरात से यहां पहुंची कई नाव डगमगाती नजर आईं। इसके साथ ही रत्नागिरी के डपोली में समुद्र तट पर बसी कुछ झोपड़ियां इस तूफान की वजह से तबाह हो गईं। ओखी तूफान को देखते हुए महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगढ़ और पालघर समेत कई इलाकों के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा कर दी है क्योंकि मौसम विभाग ने इन इलाकों में अगले 24 घंटे तक बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बारिश की वजह से मुंबई में पेडर रोड और वर्ली सीफेस जैसे रोड बंद कर दिए गए हैं, जबकि कोस्ट गार्ड और नेवी के जवान लगातार समुद्र में गए मछुआरों को बाहर निकाल रहे हैं। हमारे पास मोबाइल का रेंज अगर आगे जाएगा 10-12 नॉटिकल के बाहर जाएगा तो रेंज भी नहीं पकड़ता है। दावा किया जा रहा है कि अब तक 300 से ज्यादा नावों को समुद्र से बाहर निकाला गया है। अधिकारियों के मुताबिक अब ये तूफान करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सूरत की ओर बढ़ रहा है। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम पुलिस स्टेशन का घेराव करने लगा। इन लोगों ने अलीगढ़ प्रशासन पर वोटर लिस्ट में धांधली करने का आरोप लगाया जिसके बाद अलीगढ़ के सिविल लाइंस पुलिस थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुट गए और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची से सैकड़ों मतदाताओं का नाम गायब होने का आरोप लगाया और FIR दर्ज करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पूरे 350 बूथों पर जब हमने स्थिति देखी कि प्रत्येक बूथ से 200-300 वोट गायब हैं, तब हमको लगा कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मतगणना से पहले ही उन्होंने चुनाव अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी थी जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी का आरोप है कि इस गड़बड़ी की वजह से करीब 90,000 मतदाता निकाय चुनाव के दौरान वोट नहीं दे सके, लेकिन पुलिस ने यह कहकर मामले में कार्रवाई करने से पल्ला झाड़ लिया कि चुनाव से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ वो एक्शन नहीं ले सकती। हम लोग जो आई थी हम लोगों ने उसको जो है कि कवरिंग लेटर लगा के जो सक्षम अधिकारी उनको दे दिए, ऊपर से जांच के बाद जो भी निर्णय आएगा उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बूचड़खाना माफिया के साथ मिलीभगत के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मेयर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी को हराने का काम किया है। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक नाबालिग लड़की की खुदकुशी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने छेड़छाड़ की घटना से परेशान होकर खुदकुशी की। इस घटना में छेड़छाड़ का आरोप दो लोगों पर लगा और दोनों ही आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे हैं। पीड़ित परिवार का दावा है कि आरोपी पहले भी लड़की से छेड़छाड़ कर चुके थे और कई बार पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई थी, लेकिन आरोप है कि वक्त रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और छेड़छाड़ से तंग आकर नाबालिग ने खुदकुशी कर ली। आज की ताजा खबर में इतना ही।